हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक आईटी स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं। ये आईटी स्टॉक एआई सेक्टर में भी काम कर रहा है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में भी काम कर रहा है, इसके क्लाइंट्स भी बढ़िया हैं। इसका जो आप रेवेन्यू देखोगे, इसके नेट प्रॉफिट देखोगे, उसमें भी आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मैंने तो इस स्टॉक में अपने लेवल्स मार्क कर रखे हैं, उन लेवल्स पर मैं अपनी इसमें पोजीशन बनाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्टॉक का एक टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा। देखेंगे कि इसमें हमें सपोर्ट जोन कहां पर देखने को मिल रहा है, साथ में रेजिस्टेंस जोन कहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम लोग इसका एक बेसिक सा फंडामेंटल एनालिसिस भी करके देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जिस शेयर की बात मैं कर रहा हूँ इसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स। क्या आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है? कमेंट करके जरूर बताना। अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3,397 रुपए। इसका जो 52 वीक हाई है वो है करीबन 4,450 रुपए पे। तो इसकी 52 वीक हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी करंट मार्केट प्राइस अभी 23% नीचे चल रही है। इस स्टॉक में हमें यहाँ पर करीबन 3,300 के जोन में एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जिसकी टेस्टिंग यहाँ पर 22 अप्रैल को भी ऑलरेडी हुई थी। अभी स्टॉक वापस से थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप करेक्ट हो रहा है। चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है 3,320 रुपए के जोन में, एंड यहाँ पर से इसमें एक बढ़िया से रिवर्सल के चांसेस हैं। इस लेवल पर आप देख सकते हो पहले ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था, जहाँ पर से स्टॉक को थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है। बाद में आप देख सकते हो कितना बढ़िया ब्रेकआउट आया था। यहाँ जब ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हो कैसे धीरे धीरे कर करके स्टॉक ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया 4,450 रुपए के जोन में। तो 19 फरवरी के बाद से स्टॉक में लगातार एक करेक्शन चल रहा है, ये सपोर्ट लेवल इसमें बना हुआ है, यहाँ पर से एक इसमें बढ़िया रिवर्सल के चांसेस है। तो इस स्टॉक में मैं अपनी पोजीशंस यहाँ पर फिलहाल बनाने वाला हूँ, एंड इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। अगर आप इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना चाहो तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको सेट कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं। तो 2020 के बाद से आप देख सकते हो इस स्टॉक ने अगर हम ऑल टाइम हाई तक कंपेयर करें तो 1800% तक के रिटर्न्स दिए हैं, एंड अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी कंपेयर कर लें तो 1400% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। अभी वापस से मैंने इसे डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर दिया है, एंड दो सपोर्ट लेवल इसमें हम और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट हमें इस स्टॉक में यहाँ पर करीबन 3,000 रुपीज के जोन पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था, तो अभी बाद में ये लेवल जो है वो सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकता है। एंड अगर ये 3,000 का भी सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट जोन हमें इसमें इस जगह पे देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 2,550 रुपीज के जोन में। यहाँ पर अगर 3,320 रुपए पे इसे सपोर्ट मिलता है तो सबसे पहला जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली 3,720 रुपीज के जोन पे। अगर ये 3,720 रुपए का रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस डायरेक्टली हमारा ये जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद सबसे पहला टारगेट हमारा 12% का है। ये 12% कंप्लीट होने के बाद जो हमारा अगला टारगेट रह सकता है वो 33% का रह सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें अपना एंट्री एंड टारगेट प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर स्टॉकेज प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फंडामेंटल वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। सेक्टर आईटी है, आप जानते ही हैं। मार्केट कैप जो इसका है वो 52,592 करोड़ है, यानी कि ये कंपनी हमारी मिड कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर इसका 70 रुपीज का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 48 का है। इंडस्ट्री का पी 29.73 का है। यहाँ पर मैं इसमें रिजल्ट सेक्शन में आता हूँ। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लोग इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जून 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स में इनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप एनुअल बेसिस पर भी इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हो कि FY21 से लेकर के FY24 तक, यानी कि पिछले 4 सालों में जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। FY21 में इनका जो प्रॉफिट था वो 451 करोड़ का था। FY22 में 690 करोड़ का हो जाता है। FY23 में यही प्रॉफिट 921 करोड़ के हो जाते हैं। FY24 में इनके प्रॉफिट्स 1,093 करोड़ के हो जाते हैं। तो आपको इनके प्रॉफिट्स में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लूं तो प्रोमोटर्स का स्टेक आप देख सकते हो पिछले 9 क्वार्टर से कांस्टेंट है। FII का डेटा देखें तो FII ने यहां पर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। आप देख सकते हो सितंबर 2023 में FII का जो स्टेक था वो यहां पर 21% का था, दिसंबर 2023 में 24.55% का था, मार्च 2024 में 24.96% का था, यानी कि FII ने यहां पर अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है। इसके साथ ही अगर हम लोग DII का भी स्टेक देखें, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, तो DII ने यहाँ पर थोड़ी सेलिंग करी थी दिसंबर 2023 में, इसके बाद मार्च 2024 में भी थोड़ी सी सेलिंग करी है,
तो अभी जो स्टेक है DII का वो 25.88% का है, तो काफी अच्छा परसेंटेज यहाँ पर FII साथ में DII भी होल्ड करते हैं। तो ये था इस स्टॉक का एक टेक्निकल एनालिसिस साथ में एक फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।